मेहर तहसील के अंतर्गत अमदरा थाना क्षेत्र के कुटिलगवा गांव निवासी कम छेदी लाल यादव उम्र 65 वर्ष पिता मुरारी लाल यादव कल सुबह भैंस चराने के लिए घर से निकले। रास्ते में चमस नदी पड़ती है जिसको पार करते समय पैर फिसल जाने के कारण नदी की तेज धारा में बह गए। कैसी घटना घटी? कि कल भैंस सवेरे से भैंस चराने आए जी, और भैंस चराते समय क्या है, भैंस उस पार चली गई जी। जैसे 10-11 का समय बजे था उसका 11 बजे, और जैसे भैंस उस पार करी तो किसी के पटेल जी के खेत में पड़ गई, तो खबर गए जल्दी कपड़ा वपड़ा उतार के और नदी पार करने लगे जी। और इसके बाद पता नहीं चला, फिर हमारा भतीजा गया खाना लेके नाश्ता वास्ता, देखे तो नहीं पाए, फिर ढूंढने लगे, फिर सब कपड़ा देखा, जूता देखा, लाठी देखा, छत्ता देखा, कुछ देर से साफ सूचना पुलिस को मदद ली गई जी जी। पुलिस भी साथ में काफी मेहनत करी, लगी रही आई जी जी। और 11 बजे 12 बजे तक अभी सुबह से यहाँ हम बैठे रहे, 10 मिनट का हम लोग चाय पीने गए जी, और इसके बाद ये उन्हें पता चला तो फिर से आ गए, तो साहब को फिर सूचना किए। सुबह कितने टाइम पता चला आपको? अब इनको 1 बजे परिजनों द्वारा अमदरा पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी शंखधर द्विवेदी के अथक प्रयास से पुलिस स्टाफ ने आज सुबह शव को सेमरा गांव के नदी किनारे से ढूंढ निकाला। सर ये कितने समय की घटना? ये कल निकले हैं ना करीबन 9 बजे घर से जी, भैंस चराने के लिए, भैंसों को लेके जी जी। और लगभग 12 बजे के लगभग इनका एक नाती है, वो खाना लेके गया जी, जब ये नहीं मिले जी, तो देखना शुरू किया था नदी के किनारे, जूते पगड़ी दिखे जी, एक आशंका हुई थी जी जी। तब से हो गया तलाश करते हुए, पुलिस को खबर दी, पुलिस भी आई तलाश करती है जी, लेकिन मुझे नहीं आ सके। जिसे पोस्टमार्टम के लिए अमदरा ले जाया गया है। मेहर से कामता तिवारी की रिपोर्ट, SCN न्यूज़ इंडिया।